हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और बैंक निफ्टी कल कहाँ पे मोमेंटम दे सकता है। देखो, कल के लिए जो हमारे बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, दो इम्पोर्टेंट लेवल है, वो है हमारा पहला जो लेवल है वो है 44,800, एक रिजेक्शन जोन है, और एक है 44,460, ये एक सपोर्ट जोन है। कल हमें इन दो लेवल्स के अराउंड बैंक निफ्टी में प्ले करना है। यदि ये हमारा रिजेक्शन लेवल ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, और यदि हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। यदि ये सपोर्ट 44,460 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट हमें यहाँ पे 250 पॉइंट का प्लस पॉइंट का आराम से टारगेट देने की ताकत रखता है। और यहाँ पे यदि मार्केट 44,800 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे आराम से 200 पॉइंट प्लस का प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन इससे पहले हम एक बार जो आज फिन निफ्टी में हुआ है, जो आज फिन निफ्टी ने हर किसी को रुलाया है ना, पहले वो देख लेते हैं। और हमने जो कल एनालिसिस की थी वो कैसा रहा आज? देखो, जो हमने कल लेवल बताए थे वो मार्केट ने आज ब्रेक ही नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट ने हाई लगाया, 850 का मार्केट ने हाई लगाया और 780 का मार्केट ने लो लगाया। आज फिन निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 70 पॉइंट की रेंज में ही कंसोलिडेशन करती रही। आज एक्चुअली निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी सभी ने ही कंसोलिडेशन किया है और किसी ने भी आज प्रॉफिट नहीं दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है, जिन्होंने भी आज कॉलर पुट बाय किए होंगे आज वो लोग बर्बाद हो गए, और जो आज पुट सेलर और कॉल सेलर थे आज उनका दिन था, ना कि बायर्स का दिन था। तो जिन्होंने भी लेवल्स ब्रेक होने का वेट किया हुआ ना, तो वो तो आज लॉस से बच गए। देखो, प्रॉफिट नहीं हुआ चलेगा, लेकिन लॉस भी नहीं हुआ ना, सबसे बड़ी बात ये है। मार्केट में सबसे बड़ी बात आती है कि हम हमारे लॉस को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। चलो, हम अभी निफ्टी पे ही चलते हैं, सॉरी बैंक निफ्टी पे की ही बात करते हैं। तो देखो, पहले हम बैंक निफ्टी के दो लेवल मैंने आपको बता दिए थे, लेकिन अभी मैं इनको पूरी तरह से समझा देता कि ये दो लेवल मैंने किस हिसाब से निकाले हैं। 44,460 सपोर्ट जोन और 44,800 एक रिजेक्शन की तरह काम करने वाला है, और इन दोनों के बाद हमें मार्केट में 200 से 250 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है। देखो, हम पहले बात करते हैं हमारे बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की। वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में हम देख पा रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में जो बैंक निफ्टी में एक एम पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। देखो, सेम पैटर्न बना हुआ जैसा कि कल हमने हमारी फिन निफ्टी के चार्ट में डिस्कस किया था, सेम वही पैटर्न है। मार्केट ने मोमेंट दिया, फिर कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन करने के बाद इस ब्रेकआउट पे मार्केट ने फिर से मोमेंटम किया और एक एम पैटर्न, काइंड ऑफ एम पैटर्न बनाया हुआ है। अभी ये एम पैटर्न बना नहीं है। देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है फिन निफ्टी की तुलना में, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बियरिश, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अभी हम बात करते हैं। देखो, एक जो लास्ट वीक की जो कैंडल है बैंक निफ्टी की, वो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, और इस एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद एक यहाँ पे पॉज कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी लास्ट 2 दिनों में तो बैंक निफ्टी ने, जो मार्केट ने जो किया है, वो एक काइंड ऑफ पॉज ही हमें दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर भी इस वीक में बन सकता है लास्ट वीक की कैंडल को देखते हुए। ये हमें वीकली टाइम फ्रेम को देखते हुए समझ में आ रहा है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम की, कि डेली टाइम फ्रेम में कौन कौन से पैटर्न बने हुए, तो देखो डेली टाइम फ्रेम में एक दो नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहे हैं, उनकी हम यहाँ पे बात कर लेते। पहले चार्ट करते छोटा, तो डेली टाइम फ्रेम में एक तो हमें एम पैटर्न साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये एक एम पैटर्न है, ये पहला नेगेटिव तो यहाँ पे ये हो रहा है। सेकंड हम क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट 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 सपोर्ट। हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, उसके बाद कंसोलिडेशन करे, या फिर हल्का सा बाउंस बैक देके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी ब्रेक डाउन भी आ सकता है। और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के अलावा हमें एक और पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है HNS, हेड एंड शोल्डर, लेफ्ट लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर। यहाँ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है। और यहाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न में एक और जो चीज है देखने की, वो ये है कि हेड में यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी एक
हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना चुका है। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न यदि आप हो तो आपको याद हो तो हमने ये प्ले किया था और ये पूरा प्रॉफिट हमने लिया था। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था उस टाइम इस हेड एंड शोल्डर पे। मार्केट ने शार्प फॉल दिया था, यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे बने थे। तो सेम केस यहाँ पे भी हो सकता है कि मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा ना, 44,000 के लेवल को, मार्केट में एक हमें 1,500 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। देखो अभी तो हम 600 पॉइंट दूर हैं इस लेवल से, लेकिन यदि मार्केट ने 44,000 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे 1,500 पॉइंट का आराम से फॉल देखने, 1,500 से 2,000 पॉइंट का फॉल हमें आराम से मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो हमें वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक नेगेटिव पैटर्न दिखाई दे रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें एक नेगेटिव पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो हम कल नेगेटिव साइड में हमारी 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेने वाले हैं और बाइंग साइड में हम हमारी 70% क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेने वाले हैं। देखो हमेशा जो हम बड़े टाइम फ्रेम देखते हैं वो इसीलिए ही देखे जाते हैं कि हम एक आइडिया लगा सके कि हमें किस साइड में, बाइंग साइड में या फिर सेलिंग साइड में, हमें किस साइड में हमारी जो पोजिशन साइजिंग है वो 100% पोजिशन साइजिंग के साथ हमें ट्रेड लेना है और किस साइड में नहीं लेना है। अभी हम बात करते हैं हमारे आवली टाइम फ्रेम की। आवली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, आवली टाइम फ्रेम पे हमें ये जो हमारा लेवल है 44,460, जो मैंने आपको शुरू शुरू में वीडियो शुरू थी आपको बताया था, ये वो लेवल हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम के बेसिस पे हमने वो निकाला है। वो हमारा 44,000, ये हमारा 44,460 एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। यदि मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो 44,460 के नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज दी तो मार्केट के पास सीधे, ये देख रहे हो मार्केट सीधे कहाँ जाएगा, 44,150 के अराउंड। मतलब यदि मार्केट 44,450 के लेवल को ब्रेक करता है, 460 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट के पास 300 पॉइंट का जगह है। जैसे मार्केट ने एक सिंगल कैंडल में ये 300 पॉइंट दिए ना, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक सिंगल कैंडल में ये 300 पॉइंट दे दे और इस 150 के अराउंड मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल हमें शो करे, क्योंकि ये जो कैंडल, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये है डेली बेसिस की सपोर्ट ट्रेंड लाइन। मार्केट ने यहाँ से कई बार सपोर्ट लिया है तो यहाँ पे मार्केट के पास 44,460 के नीचे 300 पॉइंट की एक जगह है। इसके बाद हम आते हैं हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यदि हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक अपसाइड से तो ये एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। यदि कल मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो देखो ये जो बना हुआ है ना, पहला रिजेक्शन तो बनेगा मार्केट का 44,730 का, उसके बाद रिजेक्शन बनेगा 44,800 का। तो इस 70 पॉइंट में कोई भी ट्रेड लेने की जगह हम सीधे ट्रेड कहाँ लेने वाले हैं, 44,800 के ऊपर। तो जो मैंने अपना जो फर्स्ट सपोर्ट सॉरी रिजेक्शन लेवल बताया था वो हमने निकाला है हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यदि मार्केट कल 5 मिनट कैंडल क्लोज देता है 44,800 के ऊपर तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और हमारे यहाँ पे टारगेट क्या क्या रहेंगे, टारगेट्स की बात करते हैं हम। हमारे टारगेट रहेगा पहला तो ये टारगेट हमारा 44,920 का रहा, पहला टारगेट ये रहेगा। और जो हमारा टारगेट सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा ये 45,050। दो हमारे पास कल के लिए टारगेट रहेंगे, ये रहेगा फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकंड टारगेट। यदि मार्केट 44,800 के लेवल के ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज देता है कि देखो यहाँ पे दो 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 तीन रीजन हमारे बन जाएंगे। पहला तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है इसका मार्केट ब्रेकआउट दे चुका होगा, सेकंड ये जो ट्रेंड लाइन है इसका भी मार्केट ब्रेकआउट दे चुका होगा, और ये जो हमारे पास थर्ड 44,800 का जो रिजेक्शन लेवल मार्केट उसका भी ब्रेकआउट दे चुका होगा। तो हमारे पास बाइंग साइड में ट्रेड लेने के लिए उस कंडीशन में 300 सॉरी 3 रीजंस होंगे हमारे पास, इसलिए हम बाइंग साइड का 44,800 के ऊपर एक ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि मार्केट को हमें फर्स्ट हाफ में ट्रेड लेना है या फिर जैसे ही मार्केट ओपन होता है वैसे ही ट्रेड लेना, क्योंकि उस टाइम मार्केट में के ऑप्शंस के प्रीमियम में सबसे ज्यादा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं।
लेकिन इससे पहले हम इनको हटा देते हैं। देखो तो हम अभी हम बात करते हैं कि यदि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। देखो फ्लैट की कंडीशन में ये दो लेवल जो हमने निकाले हैं 44,800 और 44,460, ये दो लेवल ही हैं जिनके ऊपर हमें ट्रेड लेना है। यदि मार्केट ने 44,800 के लेवल को ब्रेक किया, 5 मिनट कैंडल को इसके ऊपर क्लोज किया, तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे और इसके ऊपर, और यदि 44,460 के नीचे 5 मिनट कैंडल को क्लोज किया तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। मतलब यहाँ पे 44,060 के नीचे, 44,460 के नीचे हम पुट बाय करने वाले हैं और 44,800 के ऊपर हम कॉल बाय करने वाले हैं। यदि ये तो हो गए, देखो सबसे सिंपल जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी हमारी फ्लैट ओपनिंग की। उसके बाद यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप कितना पॉइंट ओपन ओपन होता है, 150 से 200 पॉइंट, 150 पॉइंट का मतलब हो जाएगा 811 जो हमारा लेवल है। यदि मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में देखो ट्रेड मत लेना। ट्रेड कब लेना है, मार्केट को हल्का से नीचे आने दो, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेने दो, और जैसे ही मार्केट फिर से 800 के लेवल को ब्रेक करेगा, देखो इस ट्रेंड लाइन पे जैसे मार्केट आके सपोर्ट लेगा ना, उस जगह पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें कब ट्रेड लेना है, जब मार्केट फिर से 800 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम वहां पे फिर से बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और गैप की कंडीशन में हमें सेलिंग का ट्रेड कब लेना है, कि मार्केट जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा, एक सेकंड मैं को हटा देता एक बार। मार्केट यहाँ ओपन होके ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया 44,600 के लेवल को, यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम लेके चलते हैं कि यदि मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है, यदि कल मार्केट यहाँ पे 200 पॉइंट नीचे ओपन हो जाता है, 200 पॉइंट नीचे ओपन होने का मतलब है इसी लेवल पर, एक सेकंड, हम कौन सा लेवल हो जाएगा, 44,460 के लेवल का, तो हम यहाँ पे हल्का सा बाइंग साइड में ज्यादा रहेंगे। यदि हम कल मार्केट 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट टिक में हमें देखना है, यदि मार्केट अपने हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाता हुआ यदि हमें दिखता है तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यदि मार्केट कोई ऐसा पैटर्न बनाता है तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। डब्लू पैटर्न बनाता है तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देगा तो भी हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी बात है इस गैप डाउन की कंडीशन में वो ये है, यदि मार्केट कल 200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है और पहली 3 मिनट की कैंडल कोई हैमर कैंडल बनाए, तो उस हैमर कैंडल के हाई के ब्रेकआउट पे हम एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं और लो का हम रखेंगे हमारा स्टॉप लॉस। यदि मार्केट कल 200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है तो इस कंडीशन में ये ट्रेड आराम से लिया जा सकता है। तो यहाँ पे 90% चांसेस होगी कि मार्केट आपको प्रॉफिट देके जाएगा। तो ये हमारी तीनों कंडीशंस हो गई हैं। एक बार हम इन तीनों कंडीशंस को, मेन जो हमारा लेवल है उनको लिख लेते हैं। देखो हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है कल के लिए, जिन दो लेवल्स के अराउंड हमें कल प्ले करना है, वो है एक है 44,800, ये हमारा रिजेक्शन है। यदि 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर मार्केट क्लोज देता है तो हमें कॉल बाय करना है, और जिसका टारगेट रहेगा हमारा 200 प्लस पॉइंट। और यदि मार्केट कल 44,460 के लेवल जो हमारा सपोर्ट है इसके लेवल के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज देता है तो हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे, और इस कंडीशन में मार्केट हमें 250 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट दे सकता है। कल के लिए ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के लिए ये जो हमारे लेवल हैं 44,800,
कि ऊपर ये हमारा रिजेक्शन की तरह काम करने वाला है, इसके ऊपर यदि 5 मिनट कैंडल यदि मार्केट क्लोज देता है तो हम यहाँ पे कॉल बैंक कर सकते हैं 200 पॉइंट के टारगेट के साथ। और यदि कल मार्केट 44,460 के लेवल को ब्रेक करता है, कि सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो 5 मिनट कैंडल क्लोज देता है उसके नीचे, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग की पोजिशन बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो अदर लेवल्स इंपॉर्टेंट जो अदर लेवल्स हैं वो है हमारे, एक तो है हमारे पास 44,600 का लेवल। एक इसके नीचे यदि मार्केट आता है गैप अप की कंडीशन में ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि 44,600 के नीचे मार्केट 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है गैप अप ओपन होने के बाद, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। मेनली तो हमारे पास यही दो लेवल है, दो लेवल इंपॉर्टेंट है, 44,460 और 44,800।